अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, और हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। तो वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, और हम सब के रिस्क और रोज़ी में ढेरों बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो आज के नए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। मैं और कायनात जा रहे हैं नीचे कुछ चीज़ें लेने के लिए। एज़ यूजुअल घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, तो समरीन ने एक लिस्ट मुझे बना के दे दी और कहा कि असगर जाए आप ये सब सामान ले आए। और आज जो है वो अबू का 40वां भी है, चहलुम भी है, तो उस हवाले से भी घर में एक मजलिस है और फातिहा खानी वगैरह हमने रखी है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे कायनात भी जो है वो रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। तो ये देखें, जी तो हम आ चुके हैं हमारे घर के एक करीबी मार्ट में। एक निकाल लो, हाँ ये वाली है, तीनों पिंक ही ले लेते सही निकालो। ये मैंने अभी होता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो है वो शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब बारी आ गई है बिलिंग की। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है बिल और बस जल्दी से जो है बिल बन जाता है तो फिर यहाँ से निकलते हैं हम। जी तो अब आ चुका हूँ मैं हेयर सैलून में, क्योंकि ईद पे भी जो है वो मैंने खत और हेयर कटिंग वगैरह नहीं करवाई थी, क्योंकि अबू की पहली ईद थी तो कुछ भी करवाने का दिल ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा अपना हुलिया भी सुधार लिया जाए। तो जी यहाँ से हेयर कटिंग वगैरह करवाने के बाद जो है हम आ चुके हैं फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको बताया आज घर में फातिहा खानी है तो उसके लिए फ्रूट्स भी लेने हैं। तो चले जी यहाँ से लेते हैं कुछ फ्रूट्स। घर पे आ चुका हूँ सब सामान लेके ग्रोसरी का, और यहाँ पे देखें हमने सारा सामान रख दिया है। फ्रूट्स वगैरह भी ले आया हूँ फातिहा के लिए, और यहाँ पे जो है चाय बन रही है। समरीन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमेशा की तरह मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे और हम सब के रिश्तों बच कर आमीन सुमा। तो मुझे और मेरी फैमिली को जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा, मत भूलिएगा कभी। और देखे मैं जो है वो नाश्ता ले आया था, यहाँ पे समरीन जो है वो नाश्ता निकाल रही है, और अब हम इस टाइम करेंगे हमारा सुबह का नाश्ता। और टाइम क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखे टाइम हो रहा है डेढ़ बजे आज नाश्ता हो रहा है। समरीन क्या हो गया भाई, क्योंकि आप मार्केट लेने गए थे तो टाइम लग गया ना आपको। मार्केट में गया और फिर हेयर सैलून भी गया था जैसे कि आप लोगों को दिखाया था, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और आज जो है वो फातिहा भी है घर पर शाम में, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो अब जल्दी से फटाफट समरीन यूँ करके आप नाश्ता लगाएं, जल्दी से नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर लग जाते हैं सब फातिहा की तैयारी। A few moments later, अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता भी हो गया और फिर मैं गया था शावर लेने के लिए कि हेयर कटिंग करवा के आया था तो काफ़ी उलझन हो रही थी मुझे, और फिर मैं जो है वो शावर लेके निकला। और अब जो है वो टाइम हो चुका है मुझे जाना है बेकरी नियाज लेने के लिए, क्योंकि मैंने कल नहीं परसों मैंने ऑर्डर दिया था नियाज का। तो अब चलते हैं और फटाफट से नियाज लेके आते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हमने आज नियाज में क्या ऑर्डर दिया था। तो जी मैं आ चुका हूँ इस वक्त ब्लू रिबन बेकरी पे और अब चलते हैं अंदर और अपना ऑर्डर लेते हैं। तो घर पे आ चुका हूँ
और बेकरी से मैं क्या नियाज लाया हूँ, क्या चीज़ का हमने आज नियाज में ऑर्डर किया है तो वो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आज जो है वो हमने ब्लू रिबन बेकरी से ऑर्डर किया था नियाज का आज के लिए, और जो है वो हमने इस तरह से देखिए ये बॉक्स पैकिंग है, और इसमें जो है वो केक का ऑर्डर दिया था हमने आज, और ये अभी जो है वो बंद है, टेप लगा हुआ है इस पर, लेकिन मैं एक कोशिश करता हूँ साइड से आपको दिखा देता हूँ। ये है केक इस तरीके से, और देखें अंदर भी इन्होंने कितनी अच्छी पैकिंग में इसको जो है वो किया हुआ है रैप, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जो है वो हमेशा ज़्यादातर प्रिफर यही करते हैं कि ब्लू रिबन बेकरी से ही ऑर्डर करते हैं कभी भी नियाज का ऑर्डर देना होता है तो। तो गाइस अभी बस जस्ट घर पे पहुंचा, जैसे कि आप लोगों को दिखाया है गर्मी बहुत ज़्यादा है, बे इंतहा गर्मी है, इसीलिए बस अभी आके पानी पी रहा हूँ ठंडा, और पानी पिया तो जाके थोड़ा सा सुकून आया। आप लोगों को जैसे कि दिखाया कि समीर ने जो है वो चांदनी भी बिछाना शुरू कर दी है, क्योंकि जो है वो आमाल पार्टी जो आने वाली थी आज के जो खसूसी आमाल होते हैं चहलुम के, तो वो आमाल पार्टी आ चुकी है, और इसीलिए समरीन ने जो है वो बिछाना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लेडीज़ भी आना शुरू हो गई, आमाल भी स्टार्ट हो गया। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी बैक से मेरे, मैं दिखा इसलिए नहीं सकता आप लोगों को क्योंकि जाहिर सी बात है लेडीज़ का है तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समरीन ने चांदनी वगैरह बिछा दी है लॉन्च में भी, और ड्राइंग रूम में भी बिछा दी है, और ड्राइंग रूम में जो है वो आमाल स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ पे जो है वो समरीन की अम्मी जो है वो ख़ास आज देखे ये मिठाई बना के लाई हैं, तो ये मिठाई भी जो है वो उसमें रखी जाएगी फातिये में, और बाकी जो है मैं यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह लाया था ये सब आप देख सकते हैं, फ्रूट्स भी रखे जाएंगे। फातिये की फ्रूट वॉश कर रही हूँ, और फिर इसके हम फातिये का दस्तरखान लगाएंगे और आपको दिखाते हैं। तो ये फ्रूट में अजगर लाने की फ्रूट, सेब और जाम और केक। वैसे फ्रूट में ना तरबूज भी होता है, पर तरबूज फाते में रखना बहुत मुश्किल पड़ी गाँव में, उसकी कटिंग हो सकती है, खाना भी मुश्किल हो जाता है, तरबूज मैंने इसको मना किया कि जो है ना कटिंग के अलावा जो है ना समरीन ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो काफ़ी जूसी होता है, तो उसमें से जो है वो तरबूज का पानी निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। सही बात है, तो अभी जो है वो और फिर उसके बाद क्योंकि कटिंग अगर अभी से आप करोगी ना समरीन तो ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे फ्रूट्स, तो उसकी फ्रेशनेस बरकरार रखने के लिए आप एंड टाइम पे ही कटिंग करना, लास्ट मोमेंट पे। अब इसमें भी जो है ना मेरी गलती कि मुझे फ्रूट्स लेने आते नहीं है, तो क्या करूँ भाई, हमारा रोज़ का काम तो नहीं होता फ्रूट्स लेने का, वैसे ये काम होता है घर की औरत का, लेडीज़ का। तो अब जो है इन्होंने ये काम मुझे दे दिया था, तो अब जो मुझे समझ आया जैसे समझ आया मैं ले आया। ये देखिए एक इतना बड़ा जाम लेकर आए, एक इतने छोटे छोटे लाए, देखिए हरे हरे जो कोई जाम लाता है, बजगर को ना आप लोग सिखाएं, कुछ सिखाएं। चले जी आहिस्ते आहिस्ते हम भी ट्रेन हो जाएंगे फ्रूट्स लाने के, इसमें अभी तो जो लाए हैं उसी से काम चलाना पड़ेगा आपको। तो जी हमारे हो गए वॉश हो गए, केले को तो वॉश नहीं कर सकते इसलिए केले ऐसे जाएंगे, तो चला हम दस्तरखान पे रखते हैं उसे। इसी तरह से एक एक प्लेट लेकर जाएंगे, अब मैं दो प्लेट लेकर जा रही हूँ, केले बहुत भारी है भाई साहब। ये है स्पेशल मिठाई जो मेरे ससुर बहुत शौक से खाते थे, इसलिए मेरी अम्मी के हाथ का तो खासतौर पर बहुत शौक से खाते थे, और बोलते थे कि मम्मी को बोलना कि और मिठाई बना के भेजे, अल्लाह को जल्द नसीब करे, आमीन आमीन। तो ये देखिए मेरी अम्मी मिठाई बना के लेकर आई है फातिये के लिए, और ये ऑयली ऑयली क्यों हो रहा है समरीन, ऊपर से ये ना इसमें फ्रेश बनी हुई है, अब जैसे ही ये ना सूख जाएगी ना मिठाई में ड्राई हो जाएगी, घी ये पीने की पूरा घी देखिए सारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा।
सही, ये प्रॉपर मिठाई बनेगी, मिठाई। तो ये अभी मैं दस्तरखान पे नहीं रखूँगी, इसे थोड़ा सा और वेट करते हैं ड्राई होने के लिए। सही है। Hours later. तो जी यहाँ पे फातिया और मजलिस वगैरह हो चुकी थी ख़त्म, और जो है सब लोग जा चुके थे, और यहाँ पे हम फैमिली मेंबर्स मतलब घर वाले ही सब बैठे हुए थे। समरीन थी, समरीन की अम्मी थी, और मेरी सिस्टर इन लॉ थी, सकलैन थे, जहरा थी, मैं था, और यहाँ पे हम सब बैठ के जो है वो चाय पी रहे थे। आप देख सकते हैं कि समरीन ने दोबारा से जो है वो चाय गरम की थी, और यहाँ पे जो है वो गपशप चालू थी, और बच्चे भी जो है वो चाय और बिस्किट खा रहे थे, और मैं भी जो है यहाँ पे चाय पी रहा था। तो सब जा चुके हैं, और घर की पोजीशन कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सब कुछ फैला हुआ है, ये सारी चेयर्स वगैरह, और अंदर का रूम तो जो है वो समरीन ने समेट दिया है। आप देख सकते हैं अंदर के रूम में जो है कुछ भी नहीं फैला हुआ है, सब कुछ समेट दिया है समरीन ने यहाँ पे। और अभी जो बाहर का ये सब है, तो वो समरीन जो है वो ये वाली चेयर्स जो है हमारे नेबर्स की है, तो ये उनको दे रही हैं, और सामने जो ब्राउन वाली चेयर्स है वो मेरी सिस्टर इन लॉ की है, तो उनको दे रही है, क्योंकि चेयर्स पे बैठने वाले काफ़ी लोग थे, और ये वाली हमारी चेयर्स है। हाँ जी समरीन, तो मेहमान चले गए सारे? और आप देख सकते हैं कि चेयर्स वगैरह हमने दे दी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अब ये चांदनी वगैरह उठाएंगे, और किचन का जो है बुरा हाल, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखे जूम करके दिखाता हूँ हमारे किचन का कितना बुरा हाल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे, तो अब जो है वो ये सब हम घर समेटेंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है वो मेरे अब्बू के लिए एक सूरह फातिहा बख्श दीजिएगा, और उनकी मगफिरत के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, उनके तमाम गुनाह ने सगीरा कबीरा को माफ़ कर दे। आमीन आमीन सुमा आमीन आमीन सुमा आमीन, और सब मरूमिन के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब मरूमिन की मगफिरत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा मेरे वालिद साहब के लिए, और कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि सूरह फातिहा रिसीटेड। अब बारी आ गई है डिनर की, और अब हम यहाँ कर रहे हैं डिनर, और डिनर में आज हमारे पास जो है यहाँ पे शामी कबाब है, और रोटी है, होममेड रोटी, और मुझे तो बड़ी पसंद है। किस किस को पसंद है होममेड रोटी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे गर्मा गर्म फ्राइज़ है, सकलैन को आज फ्राइज़ खाने का दिल हो गया, तो उन्होंने फ्राइज़ मंगा ली, और कॉम्बिनेशन कैसा हो गया देखें आप, खाने के साथ साथ जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ है। और यहाँ पे जो है ये किस चीज़ का सालन है समरीन? गोश्त का सालन। हाँ मेरी सासू माँ लाई है, तो ये बताना ज़रूरी था आपको। सासू माँ जो है वो बड़े प्यार से आलू गोश्त का सालन लेके, आलू नहीं है लेकिन गोश्त है, तो हम ये भी खाएंगे। और अब करते डिनर, और यहाँ पे देखे मिठाई भी है।